hi everyone i'm itkarthansabikoti konge and welcome back to the last video of your chapter 5 which is uh, dedicated to cancer ठीक है तो हम कैंसर के बारे में, में पढ़ेंगे ठीक है वॉट इज कैंसर इट इज़ अ म्यूटेशन अकर्स इन जीन्स दैट कंट्रोल सेल डिवीजन एंड ऑन को जीन डैट रिजल्ट इन द अनकंट्रोल्ड माइटोसिस अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वर्ड अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है या अनकंट्रोल्ड है तो आपको समझ जाना है कि यानी म्यूटेशन हो रही है ठीक है म्यूटेशन का मतलब होता है एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड नंबर ऑफ सेल्स और क्रोमोसोम्स जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था स्टेम सेल के अंदर एक एबिलिटी होती है टू डिवाइड कैंसरियस सेल्स डिवाइड रिपीटडली एंड फॉर्म अ ट्यूमर विच इज़ एन इरेगुलर मास ऑफ सेल्स अब आपको ऊपर डायग्राम में विजिबल होगा रेड ब्लड सेल्स के बिल्कुल बीच में एक ट्यूमर सा बना हुआ है ठीक है इसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं ये एक इरेगुलर मास है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो कि रेप्लीकेट हुए थे ठीक है तो ये बहुत बड़ा मास बना लेता है जैसे हम ट्यूमर कहते हैं ओके मेलिग्नेंट ट्यूमर मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब अदर ट्यूमर्स दैट इज स्प्रेड थ्रू द बॉडी इनवेट अदर टिश्यूज एंड डिस्ट्रॉय दैम ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ट्यूमर एंड फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ नोन एज मेटास्टेसिस मेटास्टेसिस वो स्टेज है जिसमें पता चलता है इंसान को कि उसे कैंसर हो है। और अनफॉर्चुनेटली ये वो स्टेज है जिससे मतलब उसे तब पता चलता है जब वो कुछ नहीं कर सकता जब ट्यूमर बन जाता है पूरा इंसान लाइक डेथ के बिल्कुल करीब होता है तब उसे पता चल जाए कि उसे कैंसर हुआ है तो हमेटास्िसिस के लिए हम सेकेंड स्लाइड देखेंगे एंड म्यूटेशन के लिए हम चैप्टर सिक्स को प्रेफर करेंगे जो कि हम इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करेंगे अच्छा अब अगर आप नेक्स्ट डायग्राम पर आए नेक्स्ट स्लाइड पर तो आपको पता चलेगा इस डायग्राम में कार्सिनोजीन कॉजेस म्यूटेशन जहाँ वर्ड कार्सिनोजिन है समझें कि वो कैंसर से रिलेटेड बात हो रही है बिकॉज कार्सिनोजिन इस टाइप ऑफ सेल दैट काजेज कैंसर और उसका नाम होता है ऑनकोजीन ठीक है तो कैंसर पहले किससे होता है पहले ये बात याद रखें यू वी लाइट मीनस अल्ट्रा वायोलेट लाइट या अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन जो कि सन लाइट में होती है ठीक है टार इन तंबाकू स्मोक एसबेस्टॉस या एक्स रे तभी ऑबियसली आपको पता चलेगा अगर आपने फिज़िक्स लिया है कि एक्स रे कितनी ख़तरनाक रेज होती हैं ठीक है प्लस गामा रेस कितनी खतरनाक रेज होती है तो ये हमारे जो है वो सेल पर इफ़ेक्ट नंबर वन ऑन जीन्स ट्रांसफॉर्म्ड बाई कार्सिनोजीन्स समझ में आया यानी ऑन किससे बने कार्सिनोजीन्स से तो कारसिनोजीन्स आर दी सेल्स विच काजिज़ ऑन जीन्स टू डेवलप विच काजिज कैंसर नंबर टू कैंसर यर सेल डज नॉट रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स सो कंटिन्यूस टू डिवाइड पूरी जाल लगाकर ब्रेन और बाकी न्यूरॉन्स और पूरी लाइक पूरी बॉडी में जितनी भी कोशिशें कर लें कैंसर को कोई डिवाइड होने से रोक नहीं सकता क्योंकि ये किसी भी सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करती नंबर थ्री माइटोसिस अब आप देख सकते हैं कि माइटोसिस से पहले दो दो से चार चार से आठ इस तरह से सेल डिवाइड होते चले गए होते चले गए एंड देन एब्जॉर्बशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसकी वजह से आप देख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस इनको न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं सेल को ठीक है कैंसरियस सेल्स नॉट रिमूव बाय इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम वीक कर देता है कैंसर ठीक है इसके बाद नंबर फाइव रैपिड म्यूटेशन ये रैपिड म्यूटेशन आपको ट्यूमर बना कर दे देती है अभी मैंने बात की थी ना एक बहुत बड़ा सा इरेगुलर मास ऑफ सेल होता है तो ये रैपिड म्यूटेशन से होता है नंबर सिक्स ट्यूमर्स गेट बिगर सेल्स चेंज देयर करेक्टरिस्टिक्स एंड लुक डिफरेंट अंडर द माइक्रोस्कोप जो आपने प्रीवियस डायग्राम में ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये सेल कितना डिफरेंट है बाकी सेल्स के आ, मुताबिक तो अब नंबर सेवन आता है ट्यूमर सप्लाइड विद ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है ट्यूमर सेल्स आपके लिम्फ लिम्फ होता है लिम्फेटिक सिस्टम वैसे तो आपका पार्ट और सिलेबस नहीं है लेकिन हम इस पर एक बोनस वीडियो रख लेंगे लिम्फ बेसिकली होता है कि जिस तरह हमारे र, हमारे ब्लड वेसल्स में खून दौड़ता है इस तरह हमारे लिम्फ लिफ वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स चलते हैं वाइट ब्लड सेल्स दौड़ते हैं तो ये हम तो खैर इम्यून सिस्टम जो हमारे लास्ट चैप्टर है इम्यूनिटी उसमें डिस्कस कर लेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ठीक है अच्छा उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह आपको पता है कि ट्यूमर स्प्रेड हो रहा है इस तरह कितनी आसानी से कैंसर जो है वो रैपिड माइटोसिस के थ्रू हर जगह फैल रहा है एंड एट द लास्ट स्टेज एट जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं ट्यूमर सेल्स इनवेट अदर टिश्यूज सेकेंडरी कैंसर्स फॉर्म थ्रू आउट द बॉडी मेटस्टिस वो स्टेज है जिसमें इन एक पेशेंट को पता चल जाता है कि उसे कैंसर हुआ है बट आपको पता है इतना सब हो जाने के बाद जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया और कैंसर किसी भी आपके सिग्नल को रिस्पॉन्स नहीं करा बिल्कुल आखिर में जाके आपको बिल्कुल लाइक आखिरी स्टेज में आपको पता चल रहा है कि आपको कैंसर हुआ है मीन्स द वन हु हैज़ तो ये कैंसर तभी इसलिए ख़तरनाक है ठीक है इसकी रिपेयरमेंट इतनी कोई नहीं होती तो ये इसलिए ख़तरनाक है ठीक है अब जैसा आपको पता है कि लोग सिगरेट पीते हैं और लोग छालियाँ वगैरह खाते हैं एंड वो स्मोकिंग करते हैं और स्मोक चीज़ें यूज़ करते हैं तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन के प्लीज़ ये यूज़ ना करें क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह आपको मैंने आज पूरी वीडियो में समझाया है स्पेशली द कैम्ब्रिज कैंडिडेट्स आप लोगों को पता होगा कि कैंसर को जब कैंसर बिल्कुल आखिरी स्टेज में पता लगता है कि मेटास्टेसिस जब होता है तब पता लगता है कि भाई इंसान को कैंसर हुआ है और वो इतने टाइम से जो स्मोकिंग कर रहे हैं उससे लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है असल में उसने अपने अंदरूनी लंग्स और ये चीज़ें नहीं देखी हैं जो टार तबाकू ये चीज़ें खाते पीते रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी नुकसानदे बात यह है कि पूरा टाइम वो हेल्दी रहने की कोशिश कर लें और उन्हें कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल आखिर में उन्हें पता चलेगा कि कैंसर है एंड वॉट विल बी द रिज़ल्ट इसका कोई ट्रीटमेंट है कोई भी नहीं है तो इसलिए आई रिकमेंड कि कोई भी ये स्मोक वाली ऐसी चीज़ें ना यूज़ किया करें ना खाएं ना पिए इस तरह और प्लीज़ हेल्दी खाएं हेल्दी पिएँ हेल्दी रहें क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी लोग ये चीज़ें सोचते हैं और उन लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि स्मोकिंग करने से इंसान को कुछ नहीं होता और पूरी दुनिया कर रही है बट बिल्कुल आखिर में पता लगता है बिल्कुल और ऑब्वियसली किसी को थोड़ा जल्दी पता लगता है किसी को थोड़ी देर में पता लगता है कि किसको कैंसर हुआ है किसको नहीं और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है सो आई प्रेफर कि आप सब इससे सेव रहें और सिगरेट वग़ैरह से दूर रहें एंड दैट्स ऑल अबाउट योर कैंसर सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर फाइव और अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया तो कॉमेंट सेक्शन ओपन है यू कैन कॉमेंट एंड टिल दैट टेक केयर एक बात और बतानी है आपको यहाँ पर कि हमारी जनरेशन टू जेनरेशन कैंसर पॉसिबल इतना ज़्यादा रेट इसका नहीं होता ठीक है तो डैट्स ऑल अबाउट इट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दैट टेक केयर विल बी सींग इन द नेक्स्ट चैप्टर